हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र में सिनेमा घरों के खोले जाने की इजाजत मिलने के साथ ही धड़ाधड़ फिल्मों की रिलीज डेट का ऐलान किया जा रहा है। वहीं अब मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी एक विलन रिटर्न्स की रिलीज डेट भी तय हो गई है। फिल्म अगले साल ईद पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आमतौर पर देखिए, ईद का त्योहार सलमान खान की फिल्मों के लिए होता है। ये हर किसी को पता है कि भाई हर साल सलमान खान ही अपनी फिल्म ईद के मौके पर रिलीज करते हैं, लेकिन इस बार ईद ही एक विलन देगा। आपको बता दें, एक विलन रिटर्न्स में अर्जुन कपूर, जॉन अब्राहम, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में है। अर्जुन ने फिल्म के रिलीज डेट पोस्टर के साथ शेयर करके ये लिखा है, इस बार ईद ही विलन देगा। तारीख आप याद रखना, 8 जुलाई 2022। तो कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जॉन और अर्जुन कपूर ने सलमान खान से ईद की रिलीज डेट चुरा ली है। ये बात सभी को पता है कि सलमान की जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। भाईजान का इन दोनों के साथ ही 36 का आंकड़ा है। अब ऐसे में जॉन और अर्जुन का सलमान से पंगा लेना कहीं उन्हीं पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि सलमान जल्द से जल्द अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग को पूरा करने में लगे हुए हैं और वो फिल्म को पूरा कर इसे ईद पर ही रिलीज करने का सोच भी रहे हैं। लेकिन एक विलन रिटर्न्स की स्टार कास्ट से पहले ही सलमान की रिलीज डेट पहले ही बुक कर ली है। अब सलमान खान टाइगर 3 को इस फिल्म के सामने रिलीज करेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए बात करें एक विलन रिटर्न्स की। तो आपको बता दें कि एक विलन रिटर्न्स का ऐलान आदित्य रॉय कपूर के साथ ही किया गया था। आदित्य ने मोहित के साथ आशिकी 2 जैसी सफल फिल्में बनाई थी, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से आदित्य फिल्म से अलग हो गए थे और अर्जुन कपूर की एंट्री हुई। अब एक विलन रिटर्न्स का पहला पार्ट 2014 में रिलीज हुआ था और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर लीड रोल्स में नजर आए थे, जबकि रितेश देशमुख ने पहली बार नेगेटिव रोल निभाया था और उनका ये किरदार काफी चर्चा में भी रहा। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी पहले पार्ट की तरह दर्शकों का दिल जीत पाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।